प्रवासी भाई बंधु जो अन्य शहरों से सपरिवार गांव के लिए लौटे हैं, उनकी सुविधा हेतु भोजन, पानी व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। दिनांक 16 मई 2020 ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 121 मोहन चौकी पर प्रवासी भाई बंधु जो कि कुछ सपरिवार गांव के लिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा तथा अन्य शहरों से अपने मूल स्थान के लिए लौटे हैं तथा स्वास्थ्य जांच की वजह से करीब 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे समय में इन भाई बंधुओं की सुविधा हेतु भोजन तथा पानी व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आप लोग अपने गंतव्य की ओर बगैर किसी असुविधा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सफर कर सकें। विक्रम रावत ने कहा कि कल भी कांग्रेस जन जब प्रवासी भाई बंधुओं के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था की जाएगी। भोजन में पानी वितरण करने में गोपाल रावत, चंदन मेहरा, अतुल अग्रवाल, नवीन रावत, वेंदर तिवारी, सुमित तिवारी, विजय नेगी, अमित चंद्रा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने जैसा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का निर्देश था कि जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाए। हमने पर्याय सेवा संस्था के माध्यम से, सहयोग से और अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस रामनगर विधानसभा के लगभग 50 से ज़्यादा गांवों का सैनिटाइजेशन किया है। 50,000 से ज़्यादा जो है मास्क बांट दिए हैं और करीब करीब 5,000 से ज़्यादा राशन के पैकेट बांटे हैं, जिनमें दाल चावल के पैकेट, आटे के कट्टे, अलग अलग जहां जैसी डिमांड आई उस तरह से किया है। और लगातार अभी भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, हैंड सैनिटाइज़र और साबुन, पीपी किट, ये चीज़ें हमने जो लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे जिन्हें कोरोना वॉरियर्स आज कहा जा रहा है, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे पुलिस की हो या और लोगों की हो, सफाई कर्मी हो, उनको भी की है। अभी हमने और पीपी किटें मंगाई हैं, रोडवेज से एक डिमांड हमारे पास आई है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, ना गवर्नमेंट दे रही है, ना एनजीओ दे रही है, तो उनके लिए भी हमने पीपी किटें मंगा रखी हैं। और यहाँ भी ये मोहन में हम डेली